हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो बीएड सेकेंड ईयर का कोर कोर्स 404 जो कि लिंग विद्यालय और समाज का है। बेसिकली ये जो नोट्स है आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट्स का है, और आज इस वीडियो में हम समाज के बारे में जानेंगे, समाज के अर्थ के बारे में जानेंगे, उसकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ आगे जानेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो और आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समाज का अर्थ, तो समाज जो है, समाज का अर्थ मनुष्यों के समूह से होता है। इसका जो इंग्लिश वर्ड है इसके लिए सोसाइटी यूज़ किया गया है, जिसका अर्थ मनुष्यों के समूह से होता है। अर्थात समाज एक ऐसा समूह है जहाँ मनुष्य होते हैं। व्यक्तियों के मध्य स्थापित संबंधों में संगठित रूप को इस प्रकार समाज कहते हैं। अब इसकी विभिन्न परिभाषाएं, इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं। जैसे मैकाइवर तथा पेज के अनुसार उन्होंने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। अर्थात सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। समाज एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत सारे रिलेशन्स हैं और वो रिलेशन्स हमेशा एक जैसे नहीं होते, ये हमेशा बदलते रहते हैं। गिडिंग, उन्होंने भी समाज की परिभाषा अपने अनुसार दी है। उनका कहना है कि समाज स्वयं संघ है, ये खुद में एक समूह है, खुद में एक संगठन है। यह एक औपचारिक संघ का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हुए या संबंध है। इसका मतलब ये है, गिडिंग्स ये कहना चाहते हैं कि जो सोसाइटी है वह खुद में एक ग्रुप होता है, औपचारिक ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और इसी प्रकार वो एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। राइट के अनुसार समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं, मतलब राइट कहते हैं कि समाज केवल व्यक्तियों का ही समूह नहीं है बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध से है। उन सब संबंधों के संगठित रूप को समाज कहते हैं। अर्थात राइट कहना चाहते हैं समाज केवल एक समूह नहीं है जिसमें व्यक्ति होते हैं बल्कि यह व्यक्ति के संबंधों का भी एक समूह होता है। अर्थात व्यक्ति एक दूसरे के बीच क्या रिलेशन रखता है, उनका बिहेवियर क्या है, इन सब का संगठन ही समाज कहलाता है। इट इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। ऐसा किसने कहा है? राइट ने कहा है। अब हम समाज की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है कि समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह है, मतलब ये एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति होते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात समाज समूह के साथ साथ व्यक्तियों के संबंधों का भी एक जाल है। समाज संगठित रूप है, समाज स्वयं संगठन है, मतलब समाज संगठित रूप भी है और यह स्वयं में संगठन भी है। फिफ्थ पॉइंट है, संबंधों का संगठित रूप ही समाज है, यानी जो संबंध होते हैं उनका जो संगठित रूप है वही क्या है, समाज है। और समाज में व्यक्तिगत व्यक्ति परस्पर जुड़े होते हैं, मतलब समाज जो है उसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनका उनमें एक घनिष्ठता होती है, उनका एक संबंध होता है। तो इस प्रकार हमने समाज की कुछ विशेषताओं को देखा। अब हम आगे चलेंगे और समाज के विभिन्न कार्य के बारे में जानेंगे कि समाज के विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं। समाज के कार्य, इसको एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि समाज के कौन कौन से कार्य हैं। तो समाज का सामाजिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, शैक्षिक कार्य है, आर्थिक कार्य, नैतिक एवं चारित्रिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, सांवेगिक कार्य। अर्थात समाज जो है इन सब कार्यों को करता है ताकि जो मनुष्य है वो अपना जो जीवन है सही तरीके से बिता सके और वो अपने अपने तरीके से समाज में व्यवस्थित रह सके। अगर समाज में कोई कार्य नहीं होता, अगर समाज के ये कार्य नहीं होते तो कोई भी व्यक्ति अच्छे से नहीं रह पाता, उसका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। तो हमें पता चल गया कि समाज क्या होते हैं, क्या अर्थ है उसका, और उसकी परिभाषाओं को भी हमने देखा, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, गिडिंग्स के अनुसार, राइट के अनुसार उनके परिभाषाओं को देखा, साथ ही साथ समाज की विशेषताओं को भी देखा। तो इन दिस वीडियो आज बस इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम समाज के विभिन्न कार्य, फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।